नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ दोबारा। आप देख रहे हैं, वक्त हो गया है खबरों की खबर का। अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 के बीच कोरोना काल के एक साल में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, जबकि आखिरी बार जब गरीबी पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई थी तब 10 सालों में केवल 27 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी से बाहर निकल पाए थे। यानी कोरोना के एक साल ने गरीबी के मामले में देश को करीब 8 से 9 साल पीछे ढकेल दिया है। हालिया रिपोर्ट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटीज के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की है। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 वन ईयर ऑफ कोविड-19 नाम के इस रिपोर्ट में नौकरी जाने से जीवन में पड़ने वाले असर पर स्टडी की गई है। इसमें 23 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा के नीचे जाने का दावा किया गया है। इससे देश के 2006 वाली हालत में लौटने की स्थिति बन गई है। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार साल 2005-06 में भारत के करीब 64 करोड़ लोग 55.1% गरीबी में थे, लेकिन तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा के चलते इसमें काफी सुधार हुआ, क्योंकि 80% गरीब गांव में रहते थे। साल 2015-16 तक देश में गरीबी घटकर 36.9 करोड़ 27.9% रह गई थी। गरीबी रेखा से मिडिल क्लास तक पहुंचने में 7 पीढ़ियों का समय लग जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 के मुताबिक भारत के किसी गरीब परिवार को मिडिल क्लास में आने में 7 पीढ़ियों का समय लग जाता है। ऐसे में 23 करोड़ लोगों को कोरोना से गरीबी रेखा से नीचे ढकेल दिया है, उनको वापस आने में कई साल लग सकते हैं। हालात और बिगड़ने के संकेत दे रही है नई स्टडी। जी हाँ, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिसर्च इससे एक कदम आगे जाती है। इसके अनुसार संगठित क्षेत्र में काम करने वाले करीब 50% लोगों को या तो नौकरियां गंवानी पड़ी हैं या फिर उनकी सैलरी कम की गई है। जिनकी नौकरियां गई हैं उनमें 7% पुरुषों को दोबारा काम नहीं मिला है, लेकिन महिलाओं में ये आंकड़ा 86.6% है। यानी कोरोना काल में जिन महिलाओं की नौकरी गई है उनमें से आधी को आज तक काम नहीं मिली है। CMI के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जून के बीच करीब 2 करोड़ नियमित सैलरी पाने वाले नौकरीशुदा लोगों की जॉब चली गई थी, जबकि असंगठित क्षेत्र यानी दिहाड़ी करने वालों का आंकड़ा इसमें शामिल करें तो ये संख्या 12 करोड़ के पार पहुंच गई थी। अब बात करते हैं गरीबी किसे कहते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जेफरी शेस के मुताबिक गरीबी का मतलब है रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी चीजों की कमी। जैसे वह गरीब है जिसे खाना पानी और आम चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जिससे कि वो लगातार और भी गरीब होता जा रहा है। हालांकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन 4 पैमानों पर गरीबी नापता है। सबसे पहले गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की उपलब्धता, टेक्नोलॉजी तक पहुंचे काम के अवसर, सैलरी और काम का ढंग, सामाजिक सुरक्षा। विश्व बैंक को बताने के लिए भारत ने 2010 में तेंदुलकर समिति बनाई थी। इसके अनुसार शहरों में रहने वाला परिवार अगर महीने में 859.60 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 672.80 रुपए से कम खर्च करते हैं तो वो गरीब है। सरकार ने 2017-18 में रोजाना खर्च पर सर्वे कराया था, लेकिन आंकड़े नहीं जारी किए गए थे। तेंदुलकर समिति का आकलन 2010 में कराया गया था। हर 5 साल में होने वाली घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण रिपोर्ट आखिरी बार 2017 और 2018 में आ रही थी, लेकिन भारत सरकार ने जारी नहीं की थी। इसमें कुछ गुणवत्ता की कमियां बताई गई। इसके आधार पर देश में गरीबी का अंदाजा लगाया जा सकता है। विश्व बैंक ने इस पर चिंता व्यक्त की थी। फिलहाल
वैश्विक तौर पर बहुयामी गरीबों को चार क्षेत्रों मतलब कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, आवास की गुणवत्ता के 48 संकेतकों पर नापते हैं। फिलहाल बहुयामी गरीबों के मामले में भारत 0.23 अंकों के साथ विश्व के 107 देशों में से 62वें स्थान पर है। आपको बता दें कि लगातार देश में जो कोरोना का कहर है वो भी जारी है। आज 1.5 साल का वक्त बीत चुका है और इसके साथ ही साथ जो हमारा अर्थव्यवस्था है, जो हमारा जीडीपी है, वो लगातार नीचे गिरते जा रहा है, जिसके लिए सरकार को कोई सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को एक बार फिर संभाला जा सके। तो ये थी हमारा खास खबर। खास खबरों के लिए बने रहिए खबर की खबर। नमस्कार।